पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज जो किराना को लेकर के जो आज हमको जीत मिली है, तो मैं किराना और नूरपुर जो आज वहाँ की जनता ने भाजपा के लोगों को और भाजपा के नीतियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मैं नूरपुर की जनता को अपने दिलों की गहराई से बधाई दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो हमारे योगी जी हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आज की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि इनके झूठे बातें थीं और ये जनता ने महसूस करा दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने नीतियों पर अगर ऐसी चलती रही तो 2019 में इनको ये इसका जवाब मिलेगा और इसका 2019 में इसका उनको परिणाम मिलेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो भाजपा के जो लोग हैं ये झूठे वादे करते हैं, कभी भी अपने वादों पे खरा नहीं उतरती, और जो समाजवादी पार्टी और जो हमारी बहन मायावती कुमारी बहन मायावती जी ने जो इनों का जो गठबंधन की जो सरकार मतलब गठबंधन जो हुआ है, हमारा दलितों से भी, अति दलितों से भी, देवे कुचले समाज से भी, हमारा कहना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने विचारधाराएं रखती है वो बिल्कुल गलत है और अपने वादों पे कोई भी खरा नहीं उतरी। और मैं आज भारत के मूल निवासी और जो आदिवासी टाइप के लोग हैं और जो खुले आसमान में और जो रोडों के किनारे रहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी से इस चैनलों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो बहेलिया समाज के लोग हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं या इस देश के मूल निवासी नहीं? जब ये देश गुलाम था उन फरंगियों का, तो कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं और कोई ईसाई नहीं, कि सारे के सारे इस मातृभूमि के बेटे बन के लड़े और इस देश के आज़ादी के लिए लोगों ने खून बहाया, हकों की बात मांग रहे हैं। और हम किसी से एहसान नहीं, हम किसी से जो है भीख नहीं मांग रहे, वो ऑलरेडी हमारे अधिकार हैं और माननीय नरेंद्र मोदी भारत सरकार को ये हमारी बात माननी चाहिए और हमारे अधिकार देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं देते हैं तो इसका जवाब 2019 में देखने के लिए मिलेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।